सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर हम लोग लगा रहे हैं, डोमेस्टिक जो यूज कर रहे हैं लोग वहाँ घरों में, तो उसी के संबंध में आज हम लोगों ने यहाँ मीटिंग की थी सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता के साथ, और उसी के संबंध में आज हम लोग मीडिया को भी ब्रीफ कर रहे हैं। जो कुछ शंकाएँ हैं, जो समस्याएँ आ रही हैं, उसको हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा किया है उस पर, और उसके समाधान के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। जो पटना ज़िले की उपलब्धि है, अभी तक पटना ज़िले में कुल लगभग 12 लाख बिजली के उपभोक्ता हैं, और उसमें से लगभग 7,25,000 उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है, और शहरी क्षेत्रों की बात हम लोग करें तो लगभग 82% घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है, और बहुत ही अच्छे से चल रहा है। जो छोटी मोटी कुछ कुछ शिकायतें आ रही हैं, उसका बड़े मुस्तैदी से बिजली विभाग के जो कार्यपालक अभियंता हैं, अन्य अभियंतागण हैं, उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है, उस पर उसका समाधान किया जा रहा है। और सरकारी कार्यालयों में भी हम लोगों ने समीक्षा किया है, और कुल लगभग 1200 हमारे सरकारी कार्यालय हैं, और यहाँ भी हम लोग लगभग 700-750 सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगवाया है, और जो बचे हुए हैं उसको हम लोग इसी महीने 31 अक्टूबर तक लक्ष्य रखे हैं कि हम लोग सभी सरकारी कार्यालयों में भी स्मार्ट मीटर लगा देंगे। दूसरा, जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे कार्यालय हैं प्रखंड या अनुमंडल के, वहाँ पर हम लोग दोनों मीटर लगा रहे हैं, स्मार्ट मीटर भी लगा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो पुराना हमारा मीटर लगा हुआ था उसको भी रख रहे हैं, ताकि वहाँ पर हम लोग मॉनिटर कर सकें कि दोनों में बिजली के बिल में कोई अंतर नहीं है, और लोगों को दिखा भी सकें, जो लोग भी जिनको भी आपत्ति है उसको हम लोग कार्यालय में ला करके दिखा सकें। और हम लोगों का प्रयास है कि पंचायत में अगर कोई हमारा सरकारी कार्यालय उपलब्ध है तो वहाँ पर भी हम दोनों मीटर लगाएं, और जो भ्रांति है कि स्मार्ट मीटर तेज चलता है, इसको हम दिखा सकें कि दोनों मीटर में समान रूप से रीडिंग आ रही है और समान बिल जो है उसकी खपत हो रही है दिख रहा है, तो ये हम लोगों को बता सकें। बाकी जो स्मार्ट मीटर लाया गया, उसका उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक पारदर्शिता लाई जाए, अधिक से अधिक इफ़िशियंसी कुशलता लाई जाए उसमें, और जो क्षय हो रहा था उसको रोका जाए, जो टेम्परिंग वगैरह हो रही थी उसको रोका जाए, और जो बड़े पैमाने पर बिजली की बिल में शिकायतें आती थी उन शिकायतों को दूर किया जाए। हम लोग देखते थे पहले कि बड़ी संख्या में शिकायतें आती थी कि हमारे यहाँ घर पर मीटर रीडिंग लेने आए ही नहीं, और मनमाना बिजली का बिल भेज दिया, और मैनुअल इंटरवेंशन था, लोग जा करके घर पर मीटर रीडिंग लेते थे, अगर कहीं किसी काम से उपभोक्ता बाहर निकले हैं तो वो पिछले महीने के एवरेज के आधार पर बिलिंग कर देते थे, जबकि उनका उपयोग अगर कम हुआ है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होता था। तो बड़ी पैमाने पर जो शिकायतें थी उसको दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा ये कि पारदर्शिता बढ़ाना, ताकि आप प्रतिदिन आप देख सकते हैं, जो सुविधा ऐप है बिजली कंपनी का और बिजली ऊर्जा विभाग का, उस पर जा करके आप घर बैठे या कहीं भी रहें आप रिचार्ज कर सकते हैं अपने मीटर की, अपने घर में जो बिजली की व्यवस्था है उसकी आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और उस पर प्रतिदिन देख सकते हैं कि कितना आपका उपयोग हो रहा है और कितना उपयोग नहीं हो रहा है, कितना पैसा कट रहा है। दूसरा ये कि आपको रिचार्ज करने के लिए ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कोई शिकायत है तो वो भी आप जो है अपने ऐप पर उस पर दर्ज कर सकते हैं, जो कॉल सेंटर है बिजली विभाग का उस पर दर्ज कर सकते हैं। किसी प्रकार की भाग दौड़ करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। जो हमारे ज़िले के उपभोक्ता हैं उनको हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बात बताना चाह रहे हैं। और जो भ्रांतियाँ हैं कि तेज चलता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम लोगों ने देखा है, दोनों मीटर लगा करके हम लोगों ने देखा है, दोनों की रीडिंग लिया है 3 दिन 1 सप्ताह के अंतराल पर, और जो लोग चाहेंगे, अगर हमारे उपभोक्ता भी अगर चाहेंगे कि उनके घर में भी पुराना मीटर कुछ दिन रहने दिया जाए और नया भी लगाया जाए, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। दोनों स्वयं लगा करके वो देख लें कि मीटर रीडिंग में कोई अंतर नहीं है, इसको हम लोग जो है दिखा करके एग्जाम्पल से उनको संतुष्ट कर सकते हैं। तो ये स्मार्ट मीटर अधिक आधुनिक है, अधिक पारदर्शी है, और इस पर उपभोक्ता का नियंत्रण अधिक है, वो अपनी चीज़ों को देख सकते हैं। कई बार हमको लग सकता है कि हम लोगों ने मीटर रिचार्ज किया और हम देख रहे हैं कि पैसा जो है वो ख़त्म हो रहा है, प्रतिदिन देख रहे हैं, और पुराना मीटर था उसमें महीने के बाद हमको पता चलता था कि कितना हमारा बिजली का बिल आया, कितना पैसा खर्च हुआ। कई बार हमको लगता था कि महीने भर हमको पता ही नहीं चल रहा है, अंधेरे में हैं हम, लेकिन इसमें है कि आप प्रतिदिन देख सकते हैं, तो ये साइकोलॉजिकल भी हो सकता है कि प्रतिदिन पैसा कटते हुए देखना, हमको लग सकता है कि हमारा पैसा ज़्यादा कट रहा है, और पुराने में था कि महीने के बाद आपको जब बिल आता था तब पता चलता था, और आप कहते थे कि हम तो इतना उपयोग ही नहीं किए और इसके बाद भी इतना बिल हमारा कट गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए
स्मार्ट मीटर लगाने की हम लोग सबसे अपील करते हैं। ये बहुत ही वेरीफाइड और अनुमोदित है और टेस्टेड है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। फिर भी हमारे किसी भी उपभोक्ता को अगर लगता है कि इसमें कोई त्रुटि है तो उसको हम लोग जरूर तैयार हैं उसको देखने के लिए, चेक करने के लिए, निराकरण करने के लिए। और उपभोक्ताओं की जो संतुष्टि है उस वो हमारे लिए सर्वोपरि है, उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। और अभी जो अचानक कहा जाता है कि अचानक बिजली कट जाती है और अंधेरा हो जाता है, तो इसके लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि एक तो बिजली दिन में कटेगी 12 से 2 बजे के या दोपहर में कटेगी, रात में नहीं कटेगी। आपका मीटर में अगर पैसा ख़त्म हो गया है तब भी रात में नहीं कटेगी। दूसरा ये है कि बिजली जो है काटने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, मैसेज दिया जाएगा। पहले 3 दिन पहले मैसेज दिया जाता था, लेकिन अब 1 सप्ताह पहले से मैसेज दिया जाएगा कि आपका बैलेंस ख़त्म हो रहा है, आप इसको रिचार्ज कर लें, अन्यथा आपकी बिजली कट सकती है, इस तारीख तक कट सकती है। उस बीच में आप रिचार्ज कर सकते हैं और आपकी बिजली रहेगी। और इसके बाद भी अगर आपका बैलेंस ख़त्म हो गया तब भी अचानक नहीं कटेगी, आपको अंतिम वार्निंग दी जाएगी कि आपका बैलेंस ख़त्म हो गया है। निगेटिव बैलेंस पर भी 24 घंटे की सुविधा दी जाएगी आपको, और उस 24 घंटे में आप उसको रिचार्ज करा लें अपने मीटर को, ये व्यवस्था रखी गई है। इसके बाद भी अगर आप रिचार्ज नहीं करा पाते हैं किसी कारण से, किसी आकस्मिक परिस्थिति में हैं और अगर बिजली कट गई आपकी, तो अब सुविधा दी जा रही है पुश बटन का, एक बटन उस मीटर में लगाया जा रहा है, उसको अगर आप दबाएंगे 20 सेकंड तक दबाए रहेंगे तो आपकी बिजली कनेक्ट हो जाएगी और 3 दिन तक 72 घंटे तक आपको बिजली उपलब्ध रहेगी। और उस 72 घंटे में आप जरूर रिचार्ज करा लें ताकि दोबारा आपको बिजली आपकी नहीं कटे। और ये फैसिलिटी महीने में 1 बार आप उपयोग कर सकते हैं इमरजेंसी में, अगर किसी कारण से आप रिचार्ज नहीं करा पाए हैं। तो ये प्रीपेड मोबाइल भी हम सभी लोग यूज करते हैं, प्रीपेड मोबाइल भी हमारा जब बैलेंस ख़त्म होता है तो हमको मैसेज आता है, सूचना आती है और हम लोग प्रीपेड मोबाइल अपना रिचार्ज कराते हैं। नहीं रिचार्ज करते हैं तो तुरंत वो काम करना बंद कर देता है नेटवर्क हमारा, ये हम लोग देखे हैं। उसी प्रकार की व्यवस्था स्मार्ट प्रीपेड मीटर में भी है, बल्कि इसमें आपको फैसिलिटी दी जा रही है कि आपका नेगेटिव बैलेंस होने पर भी 24 घंटे चलेगी और इमरजेंसी में अगर आप किसी कारण से नहीं करा पाए तो उस बटन दबाने पर 72 घंटे 3 दिन तक आपको बिजली कनेक्टेड रहेगी और आपको मैसेज लगातार जाता रहेगा। और एक और समस्या आ रही है जो हम लोगों ने अध्ययन किया और उपभोक्ताओं से बात किया कि अगर लोड आपका घर का, जैसे 1 किलोवाट लोड अगर है, उससे अगर 0.1% भी बढ़ता है तो पेनाल्टी का प्रोविज़न था, पेनाल्टी कटती है तो वो भी लगता है कि हमारे बैलेंस में से बिजली की खपत के कारण कट रही है, लेकिन वो पेनाल्टी के कारण कुछ पैसा कटता था। तो इसको लेकर के अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि स्मार्ट मीटर लगने के 6 महीने तक कोई पेनाल्टी नहीं ली जाएगी अगर आपका लोड बढ़ता भी है तो। लेकिन जब भी लोड बढ़ेगा तो आपको इन्फॉर्मेशन, आपको अलर्ट किया जाएगा, मैसेज आएगा, तो उसको आप देख लें और अपना लोड आप स्वयं बढ़ा सकते हैं आपका जो ऐप है उसके माध्यम से, सुविधा ऐप जो कंपनी का है उसके माध्यम से आप लोड स्वयं बढ़ा सकते हैं। उसके लिए कोई खर्च नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप उपयोग करेंगे जो बिजली उतने का ही रिचार्ज करेंगे, पैसा लगेगा, और बाकी पेनाल्टी जो लगती थी 400 से 500 रुपये आपको महीने में लग जाता था तो वो नहीं लगेगा। तो इसको भी ध्यान में रखें और आप स्वयं इसको ऐप को एक बार देखें अपने मोबाइल पर और उसको लगातार मॉनिटरिंग करें, आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी और किसी प्रकार की अफवाह या भ्रांति में नहीं आए। ये बेहतरी के लिए किया गया है कि इस पर उपभोक्ताओं का अधिक अधिकार रहे, उनको जानकारी रहे कि उनसे कितना पैसा लिया जा रहा है, उनको कितनी बिजली दी जा रही है, उनको कितनी सब्सिडी मिल रही है। ये सारी जानकारी उपभोक्ताओं का अधिकार है, तो उनको और स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको और अधिकृत करने के लिए इस प्रकार का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। इसके बाद भी अगर कोई त्रुटि है तो पूरा बिजली विभाग, सभी अभियंतागण और पूरा जिला प्रशासन तत्पर है उसको देखने के लिए, समझने के लिए, स्वीकार करने के लिए और उसका निराकरण करने के लिए। इसको जिला स्तर पर हम लोग निराकरण करेंगे और अगर ऐसी कोई समस्या आती है उपभोक्ताओं के माध्यम से हम लोगों के संज्ञान में, जिसका जिला स्तर पर निराकरण नहीं हो सकता है, इसको हम लोग राज्य स्तर पर, कंपनी के स्तर पर मामले को ले जाएंगे।